दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माय इंट्राडे में। दोस्तों, असल में आजकल मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। एक्चुअली कल जो हमने ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी डाली थी, उसके लिए लगातार कॉल आ रहे हैं और उनसे बात करने की वजह से मैं लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावर ऑफ माय इंट्राडे में टोटल 4391 लोग करीब जुड़ चुके हैं, और चूंकि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटजी को परचेज़ किया है, और क्या होता है कभी कभी जब बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होने की कोशिश एक साथ करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा मुझे समय बिताना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। देखिए, मार्केट में निफ्टी आप देख रहे होंगे कि डेली अपना हाई बना रहा है। आज भी निफ्टी ने अपना एक नया हाई बनाया है, राइट। इसने पहले का हाई ब्रेक किया। गौर से आप देखिए, ये हाई हुआ करता था निफ्टी का, जो इसने पिछला अपना ऑल टाइम हाई तोड़ कर बनाया था। उसके बाद एक दिन मार्केट पूरा नीचे वक किया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर उसने ये हाई बनाया, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करके ये हाई इसने बनाया। तो लगातार निफ्टी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन इस निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट चाहिए, जो बैंक निफ्टी का मिलता है, और बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट दे नहीं रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपना पिछला हाई नहीं तोड़ पाया, मतलब जो अभी इसने हाई बनाया था उस हाई को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी में जिस संख्या में बायर्स हैं, बैंक निफ्टी में उतने सेलर्स हैं। मतलब निफ्टी में बायर्स ज़्यादा रहते हैं, बैंक निफ्टी में सेलर्स ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं आता है और मार्केट क्या होता है, साइडवेज चला जाता है। तो अगर आप आज का मार्केट देखें तो आज का मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट यहाँ ओपन होके साइडवेज, लगभग जहाँ ओपन हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ। मार्केट क्या है, 3 दिन से एक बड़ा डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिल रहा है, खासतौर से बैंक निफ्टी को। लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो निफ्टी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो देखें निफ्टी में कल के लिए क्या स्थिति बनती है। क्या करते हैं, अगर आज का देखें निफ्टी में तो आप देखेंगे ये इसका आज का हाई है, राइट। ये निफ्टी का आज का हाई है, और ये इस जो लो है इसका, इस लो को इसने लगभग 2 बार टच किया है, यहाँ पर और यहाँ पर। आज मार्केट इस जगह ओपन हुआ और ये आज का मार्केट का लो है जो आज इसने रिस्पेक्ट किया। और आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक ये आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। अब आप इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसको आप थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज का बिहेवियर कैसा रहा। देखिए, मार्केट का जो हाई है वो आज का हाई है 15,775, ठीक है। मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी, ऊपर गया, इस जगह इसने सपोर्ट लिया, इस जगह यहाँ सपोर्ट लिया, इसके पहले यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे गया था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, 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 जब मार्केट इसके ऊपर चला गया तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया। यानी कि ये जो 15,700 का लेवल है वो एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट है। पहले
15600 का लेवल सपोर्ट हुआ करता था, अब मार्केट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है तो अब 15700 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब आपको इस सपोर्ट का बहुत ध्यान रखना है। मार्केट ने इस जगह क्लोजिंग दी है, कल मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन हो सकता है फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद इस पॉइंट से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, इसके बाद नीचे आकर इस पॉइंट से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो तीन कंडीशन है आपको बाइंग के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, जनरली होता क्या है, सपोज करो कि मार्केट कहीं पे ओपन हो गया, इस जगह ओपन हुआ और आपको पता है कि ये इसका सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था मार्केट ऊपर चला गया, तो अब ये क्या बनेगा, इसका सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे सपोर्ट पे क्या होता है कि आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए कि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ अगर ऊपर जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि हमको सपोर्ट पर कैसे बाई करना है। अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनती है तो आप इसके हाई कैसे लेके यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। तो अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट पे, ये 15800 लेवल, जैसे मार्केट में 15600 का लेवल सस्टेन किया था मार्केट ने, उसके बाद 15700 सपोर्ट बन गया, अब ये 15801 इसका तगड़ा रेजिस्टेंस। कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 15800 के आसपास, यहाँ से खुलते साथ इसमें एक सेलिंग आ सकती है, और जब सेलिंग आएगी तो यहाँ पे आप इसे सेल कर सकते हो। और इसका टारगेट रहेगा पहला वाला 15775, दूसरा टारगेट रहेगा 15734 और तीसरा टारगेट रहेगा 15700। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इन लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। आप बाइंग करेंगे तो इस पॉइंट पे करेंगे, बीच में कहीं नहीं करेंगे बाइंग, या फिर अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो आप बाइंग करेंगे 15700 के लेवल पे। बाइंग करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनती है तो उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करोगे, लो के नीचे आप एसएल लगाओगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो कल का दिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो एक रैली दे, क्योंकि निफ्टी में तो रैली हो चुकी है, बैंक निफ्टी में रैली पेंडिंग है, और अगर बैंक निफ्टी ने रैली दी तो निफ्टी में भी आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा देखने पे लग रहा है मार्केट ओपन होने पे कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एक दिन और साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, बहुत आराम से समझिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रेड बहुत आसान है। मैं आपको एक रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं 15715, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है ना? इसके बाद एक सपोर्ट एरिया आपको इसका ये वाला दिखेगा, राइट? तो आप ये देखिए कि मार्केट जो ओपन हुआ आज के दिन, मार्केट आज के दिन यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 35500, और ये लेवल 35000 जो 500 है, ये ऐसा लेवल है यहाँ पे ना तो बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं, ना सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोल के देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों किस पर है? 35500 के लेवल पर है, और इधर पे कॉल राइटिंग भी हो रही है और इधर पे पुट राइटिंग भी हो रही है। अब आपको पता है जब दोनों लोग बायर्स और सेलर इसको अपनी अपनी तरफ खींचने को लगे हैं, जिसकी ताकत ज़्यादा होगी मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो कल आपको इस 35500 के लेवल पर ध्यान रखना है।
अगर मार्केट 35,500 लेवल को सस्टेन करता है और 15 से 20 मिनट इस लेवल के ऊपर रह जाता है तो डेफिनेटली एक बाइंग बनेगी यहाँ पे, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब एक डायरेक्शन में लोग खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ भी खींच रहे हैं, नीचे की तरफ भी खींच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा तो दूसरे तरफ के लोग, आपने देखा होगा जब रस्सा खींचते हैं किसी को बीच में गोला बना के, तो जिस तरफ रस्सा खींच जाता है दूसरी तरफ के लोग गिर जाते हैं, यानी ट्रैप हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर मार्केट इधर जाएगा तो जिन लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी होगी वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट जिस तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, जब पुट राइटर जो होंगे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो मार्केट में दुगनी तेज़ी आएगी और मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट अपने लो लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट 35,000 की तरफ जाएगा, यहाँ से मार्केट 35,000 की तरफ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखी है उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और जिन लोगों ने पुट सेल कर रखा है वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, वो लोग एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कल के लिए आपको 35,500 के लेवल को ध्यान रखना है। अगर मार्केट 35,500 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है तो इसमें एक बड़ी बाइंग आ सकती है जो मार्केट को 36,000 तक आसानी से ले जा सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा 35,500 का लेवल। और अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा 35,200 और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 35,000 आप मान के चल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 35,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो इसका पहला टारगेट जो है वो रहेगा 35,715, ये जो आपका टारगेट है। दूसरा टारगेट रहेगा 35,800 और तीसरा टारगेट रहेगा 36,000। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो 35,200 का मिलेगा और दूसरा टारगेट जो मिलेगा वो 35,080 के आसपास का मिलेगा। और अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ और ब्रेक कर देता है तो 34,900 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 35,500। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए मार्केट क्रूड ऑयल का 3 दिन से एक रेंज में है। आप देखिए यहां से ये नीचे जाके यहां क्लोज दे दिया 3 तारीख को, 4 तारीख को ऊपर जाके यहां क्लोज दे दिया, और 5-6 को सैटरडे संडे था, ये मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। तो आपको बिना इस रेंज के ब्रेक हुए आपको एंट्री बाई साइड की लेना नहीं है, बिना इस रेंज को ब्रेक हुए आपको बाई साइड की एंट्री लेना नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बाई की एंट्री अभी आप कहां पर ले सकते हो। फाइव जीरो एट वन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, 5081 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसके हाई के ऊपर आपको बाई लेना है। सेल आपको कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत अच्छा सिनारियो बन रहा है सेल का, ये सेल का सिनारियो है। और ये बाई का है। अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, मैंने आपको 2 लाइन ड्रॉ कर दी, अब आप सिर्फ
वेट करिए, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, एक कैंडल बनाता है बुलिश कैंडल, इसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है, ये आपका एसएल आएगा। और अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ इसको ब्रेक कर देता है, इमीडिएटली आप सेल कर सकते हो, इमीडिएटली सेल कर सकते हो, और जिस कैंडल से ब्रेक कर रहा है उसी कैंडल का हाई का एसएल लगकर आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। कॉपर, कॉपर देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, ये पहले का मेरा एक लाइन ड्रॉ है जब मैंने, क्योंकि पिछली बार शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो ये पहले का ही है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। मैंने आपको ये लाइन पहले ड्रॉ की थी, अगर आप मेरे लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको ये पहले से बताया था कि ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है मार्केट का, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 700 तक आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो इस ट्रेंड लाइन के टारगेट तक आप वेट कर सकते हो, और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आप एक फ्रेश बाइंग पोजीशन में आ सकते हो। तो इस सपोर्ट लाइन के नीचे आपका सेल है और यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके चल सकते हैं, लेकिन मार्केट निगेटिव है तो बाई करने से बचना चाहिए। नेचुरल गैस की बात करते हैं, देखिए नेचुरल गैस में कुछ भी अभी आपको मतलब बाई तो बन नहीं रहा है, इसमें केवल सेलिंग ही बन रही है, नेचुरल गैस में केवल सेलिंग बन रही है, लेकिन सेलिंग आप करेंगे ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो ये इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये पॉइंट इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब मार्केट ऊपर गया तो ये इसका एक सपोर्ट जोन बन गया और मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है। जब तक इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करेगा आप इसमें सेल नहीं करेंगे और बाई यहाँ पे बनता नहीं है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर बाई बनता नहीं है और इस लाइन के नीचे आप जाएगा तब सेल करेंगे। तो पेशेंस के साथ वेट करिए, इस लाइन के नीचे जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, ये लाइन 221.20 की है यानी 221 रुपये पे सेल कर सकते हो, इसका पहला टारगेट होगा 218.50, दूसरा टारगेट होगा 217 रुपये और तीसरा टारगेट होगा 214 रुपये। इस टारगेट के लिए सेलिंग साइड में ही एंट्री करिएगा, बाइंग साइड आज तो मेरी निगाह में बनता नहीं। चलिए सिल्वर की बात कर लेते हैं, बहुत से लोग सिल्वर में, देखिए सिल्वर में भी मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी, जो लोग लगातार मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है, मैंने आपसे कहा था ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे गया लेकिन यहाँ पे तुरंत बाइंग आई, मतलब सपोर्ट एरिया के नीचे ये पूरा का पूरा क्या है, एक बाइंग जोन है, जैसे मार्केट सिल्वर का यहाँ आता है यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट हो जाती है। तो आपको मार्केट में अभी वेट करना है और यहाँ पर भी एक मार्केट में लेवल बन रहा है, वो लेवल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये ठीक है ना, मार्केट इसी के आसपास है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि मार्केट इस एरिया से जैसे ही निकलेगा, किस एरिया से, ये जो एरिया है इस एरिया से ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, यहाँ निकलेगा आप बाइंग पोजीशन बनाइए, यहाँ निकले सेलिंग पोजीशन बनाइए, बीच में कुछ भी करने से बचिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा एनालिसिस, वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी जिन लोगों को भी, अगर जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी का परचेज़ किया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 15 मिनट बाद फ्री हो जाऊंगा, आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हैवी यहाँ पे एकदम से लोग इकट्ठे हो गए हैं, इस वजह से कभी कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट हुए हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।